इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज कल से शुरू होने जा रहा है और इसी सीरीज के लिए न सिर्फ इन दोनों टीमों के मौजूदा खिलाड़ी एक्साइटेड है बल्कि पूरी दुनिया के खिलाड़ियों समेत पूर्व खिलाड़ी भी इस टेस्ट सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस लिस्ट में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भी है। बता दें, पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का मानना है कि मौजूदा टीम इंडिया में वो बात है जो इंग्लैंड को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हरा सकती है। इसी बीच गांगुली ने टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर अपनी बात रखी है। गांगुली के मुताबिक टीम इंडिया को अपनी ओपनिंग जोड़ी में धवन की जगह लोकेश राहुल को मौका देना चाहिए। गांगुली ने इस बारे में कहा, शिखर धवन एक बेहतर वनडे इंटरनेशनल खिलाड़ी है लेकिन विदेशों में उनका टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इस लिहाज से धवन की जगह युवा बल्लेबाज केएल राहुल को मौका देना चाहिए जो अच्छे फॉर्म में भी है। टेस्ट सीरीज पर बात करते हुए दादा ने एक इंटरव्यू में कहा, मौजूदा टेस्ट सीरीज में मैं बतौर ओपनर मुरली विजय और केएल राहुल की जोड़ी को मौका देना चाहूंगा। शिखर धवन एक अच्छा वनडे खिलाड़ी है और वनडे सीरीज में वो अच्छे टच में भी थे। हालांकि जब भी वो विदेशों में टेस्ट क्रिकेट में ओपन करते हैं तो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, चाहे ये साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। अपने घर में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए धवन ने वहां खुद को साबित किया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट इन ओपनिंग जोड़ी पर क्या निर्णय लेती है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ओपनिंग जोड़ी पर क्या निर्णय लेती है। बहरहाल, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कल से बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाएगा। 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज का ओपनिंग मैच कौन सी टीम जीतेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा।